फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यू मी एंड ट्रैवल। तो अब हमारा टाइम हो गया है मनाली से जाने का, तो हम मनाली से जा रहे हैं। तो मनाली में अगर आप आते हैं और अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टे करना है, आप प्लान करते हैं कि एक महीने के लिए, दो महीने के लिए आते हैं और आपको किचन वगैरह चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। किचन काफ़ी अच्छा था, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बीइंग अ वुमन, मैंने 2 मंथ्स वहाँ पर खाना बनाया लगातार, कोई चीज़ की मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये रूम कैसा है, रूम के बालकनी से व्यू कैसा है, क्योंकि इस रूम की बालकनी बहुत ज़बरदस्त है। देख ही लोगे खुद वीडियो में कि क्यों पसंद आया हमें ये घर। करेक्ट, ये हमारा घर है। इसकी एंट्रेंस कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ, और ये लोकेशन भी काफ़ी डिसेंट है। दरवाजा खुला और ये सीढ़ी से आप अंदर जाएंगे। वेलकम टू आवर मनाली होम टूर। तो ये एंट्रेंस से आप यहाँ से सबसे पहले अंदर आते हैं और ये एक गैलरी जैसे दिखती है एक। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा यहाँ का वॉशरूम कैसा है। तो ये ठीक है और स्पेशियस भी है। इंटीरियर वगैरह काफ़ी अच्छा किया हुआ है। तो ये यहाँ पर हमें 2 रूम मिले थे, उनमें से एक रूम ये है। यहाँ पर लाइट है हमारे रूम में। तो ये है हमारा, ठीक है, एक्स्ट्रा बेडरूम। हाँ, वैसे तो मैं और संदीप 2 ही लोग थे इस घर में, तो हमें इस रूम की उतनी जरूरत नहीं पड़ी। तो हम लोगों ने इस रूम को सिर्फ सामान रखने के लिए यूज किया, क्योंकि बालकनी दूसरे रूम में और हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो यहाँ तो आना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस रूम में भी आपको लाइक कबर्ड और बेसिक चीज़ें जो रहती, लाइट वगैरह और फैन भी अवेलेबल है। आई डोंट नो कि यहाँ पर जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारा जो मेन बेडरूम है, चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं इस घर के किचन की तरफ। और वो हर वुमन चाहती है, जब भी वो कोई नए घर में शिफ्ट होती है, उसके लिए सबसे प्रायोरिटी का किचन होता है। तो ये रहा किचन। यहाँ पर आपको देखिए गैस स्टोव सारी चीज़ें और ठीक ठाक सा स्पेस है, और आपको यहाँ किचन में गीजर वगैरह भी मिल जाएगा, जिससे कि आप गर्म पानी वगैरह यूज़ कर सकते हैं डिश वॉश करते समय। और किचन के बाद हम बारी आती है हमारे बेडरूम की, जहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया बिकॉज ऑफ बालकनी। तो आइए दिखाते हैं आपको बेडरूम। तो यहाँ पर आपके पास टीवी का ऑप्शन है, आपको फ़ैन भी मिल जाएगा, बट मुझे नहीं लगता मनाली में फ़ैन की अभी ज़रूरत होगी। एंड यहाँ आपको वाईफाई कनेक्शन भी मिल जाएगा, सबसे बेस्ट पार्ट ये है। और यहाँ पर आपके पास कबर्ड का भी एक्सेस है। और लोकेशन वाइज वर्क फ्रॉम होम करने में यहाँ पर तो बहुत मज़ा आने वाला है, वो तो हम संदीप से ही पूछते हैं क्योंकि उसने ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है इसका। तो इससे बेहतरीन लोकेशन क्या होगी वर्क फ्रॉम होम के लिए, पीछे से जो व्यू है आपको अभी दिख जाएगा यहाँ मिरर से, तो इतना शानदार व्यू है। अभी तो फिलहाल पहाड़ों पे स्नो नहीं है, बट जब हम लोग स्टार्टिंग में यहाँ शिफ्ट हुए थे तो पहाड़ों के टॉप में पूरी वो स्नो से कवर्ड था, तो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो मैं यहाँ कम बैठता था, बालकनी में ज़्यादा बैठ करके काम करता था। तो अभी आपको बालकनी भी दिखाएंगे कि बालकनी से बाहर का व्यू कैसा होता है। और आपको 2 चेयर अंदर भी मिल जाएगा, 2 चेयर बाहर में भी मिल जाएगा आपको। तो अब हम आपको लेकर के चलते हैं इस घर का जो सबसे बेस्ट एरिया है, वह है यहाँ की बालकनी। माउंटेन्स की बात कर रहा था, पूरा स्नो से कवर्ड था, बट अब तो मई मंथ है तो डेफिनेटली स्नो नहीं रहेगी, बट कभी कभी यहाँ पर, जैसे कि अभी परसों ही जब बारिश हुई थी तो वो टॉप में ऊपर में हल्की हल्की स्नोफॉल हुई थी। से जो इसका डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर्स का है। इस प्लेस का नाम है खखनाल। खखनाल बहुत स्मॉल सा विलेज है, यहाँ पर आसपास भी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक पास में मंदिर है जहाँ आप जा सकते हैं रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए, देन वाटरफॉल है सजला वाटरफॉल, वहाँ आप जा सकते हैं।
और बसेस वगैरह जो है यहाँ से मनाली के एग्जैक्टली मॉल रोड तक के लिए कनेक्टिविटी आपको 20 मिनट से आधे घंटे में हर एक टाइम पे बस मिलेगी। ये देखिए जैसा कि मैंने बस की बात की थी, वो अभी तुरंत यहाँ से दो बसें पार हुई, एक नगर की तरफ जाती है कुल्लू की तरफ और एक मनाली के लिए। तो यहाँ पर और भी ऐसा है कि एटीएम वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ हम लोग रह रहे हैं यहाँ से मुश्किल से 10 मीटर या 15 मीटर की दूरी में ही एटीएम है, एसबीआई का एटीएम आपको मिल जाएगा। ग्रॉसरी स्टोर्स हैं और जो बेसिक चीज़ें चाहिए आपको किचन आइटम्स वगैरह के लिए वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वाईफाई है इस रूम में, वाईफाई कनेक्टिविटी वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डिसेंट स्पीड है और इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इतना टाइम रहे, पावर बैकअप भी है यहाँ पर, वो इमरजेंसी में ही सिर्फ ऑन होता है कि अगर कुछ इमरजेंसी है तो वो ऑन कर देंगे। अदरवाइज़ हम लोग को 2 महीना यहाँ हो गया, 2 महीने में एक बार भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम तो फेस नहीं की। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेन रोड में ही है, नगर और मनाली वाले मेन रोड में ही है। ये प्रॉपर्टी आपकी जो द एलिना होटल है उसके जस्ट अपोजिट में ही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली जो ऑनर है यहाँ के अमित नेगी जी, उनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कि उनका जो घर है वहाँ जो बैल्कनी है वहाँ से व्यू कैसा दिखता है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। मतलब अगर आप इस घर में रहते हैं तो उस बैल्कनी तरफ जा करके वहाँ से भी मनाली का और व्यास रिवर है उसका आनंद ले सकते हैं। तो इस लोकेशन में एक और चीज़ है, यहाँ पर आप पार्किंग की फैसिलिटीज़ है लेकिन वो पेड पार्किंग है, फ्री पार्किंग भी है बट वो रोड साइड की फ्री पार्किंग है। आप इस तरह से गाड़ी पार्क कर सकते हैं बट ये थोड़ा सा रिस्क रहता है, अगर कोई रात को या कभी भी आया गाड़ी वगैरह ठोक करके गया तो वो आपके ऊपर है। तो जो पेड पार्किंग है वो इस तरफ है, ये वाली, तो वो साइड में जो कवर वाली कवर है जिस गाड़ी में, वो हमारी गाड़ी है। जैसे वो हमारा रूम था, यहाँ पर एक और रूम इन्होंने तैयार किया हुआ है, तो वो रूम इस तरह से है। किचन, किचन में भी आपके कबर्ड वगैरह सारे हैं यहाँ पर। तो अब हम जा रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी में जो टॉप का जो एरिया है वहां से आपको दिखाएंगे कि व्यू कितना स्टनिंग है। एप्पल के ट्रीज है पूरे यहाँ पर, कुछ इस तरह का व्यूज है यहाँ से। बहुत ही सुंदर व्यू है। और ये जो सारे जो एरिया में दिख रहे हैं दूर तक, और ये सब सारे के सारे एप्पल के पेड़ हैं। वो वहाँ दूर से आपको व्यास नदी भी दिखेगी। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप मनाली प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली खकनाल विलेज में ये वाला जो होम स्टे है इसे प्रेफर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म स्टे के लिए। और शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो इसके जस्ट सामने में ही द एलिना होटल है, वहाँ भी आप स्टे कर सकते हैं। और यहाँ भी आई गेस, मुझे उतना आइडिया नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए देंगे या नहीं देंगे, बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रुकना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़, इनकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर, वहाँ पर भी वन रूम किचन और वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो डायरेक्टली आप उनसे बात करके पता कर सकते हैं।